अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी को भी डायबिटीज है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारा दी हुई जानकारी उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिन्हें डायबिटीज है और उन्हें इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिले। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे आज के समय में भारत का लगभग हर चौथा व्यक्ति पीड़ित है, फिर चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग। किसी भी उम्र के लोग इस बीमारी से बच नहीं पाए हैं। डायबिटीज को लेकर लोगों में अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है और भी कई सारी तमाम बातें डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में आती ही रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डायबिटीज आपकी मौत और हार्ट अटैक का सबसे प्रभावी कारण बन सकती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं KIA का हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम निरोगी भव। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि लोगों को डायबिटीज होती किस वजह से है और इसके लक्षण क्या हैं, और अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। डायबिटीज को लेकर हमने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से बात की, तो उन्होंने डायबिटीज को लेकर ये सब कुछ बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। जब किसी भी सामान्य व्यक्ति में एक निर्धारण ब्लड शुगर लेवल से जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है उसे डायबिटीज कहते हैं। जैसे कि किसी भी आदमी का ब्लड शुगर मॉर्निंग टाइम में 110, 125, 126 या जैसा कुछ भी या एक्सेस रीडिंग आ रही है, तो ये शुगर उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर रेज्ड है। ऐसे ही ब्लड शुगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी टाइप एनी टाइप 200 या 200 के ऊपर आता है तो वो डायबिटिक कहलाता है। मुख्यतः जो डायबिटीज के कारण हैं वो है आज के डेट में देखने में सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। डायबिटीज को डिवाइड किया गया है मुख्यतः तीन प्रकार में, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में मिलती है, तो बच्चों में कई सारे कारण होते हैं, उनके कारण होती है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे को हम ऑब्जर्व कैसे करें कि वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमको बच्चों को उसके साथी बच्चों से कंपेयर करना है। साथी बच्चों से कंपेयर कैसे करना है, हमको देखना है कि हमारा बच्चा जल्दी थक तो नहीं जा रहा साथ वालों से खेलते खेलते, ऑब्जर्व करना है, या वो एक्सेसिव खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा बार बार यूरिन जा रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके बाद बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में जो डायबिटीज है वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण है। इसमें क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन बन रही होती है वो काम नहीं कर रही होती है या पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रही होती है। दो कारण हो गए मैं। हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी में एक सिग्नल जाता है और उस सिग्नल के अनुसार बॉडी में इंसुलिन सिक्रियस होता है। हमारी बॉडी में एक ग्रंथि होती है उसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में भी एक सेल्स होती है उसको कहते हैं बीटा सेल्स, वहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक बॉडी में पता ही नहीं चलता, जब तक 50% बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब तक बॉडी पता ही नहीं देती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज है, आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। यानी कि 50% बीटा सेल्स जब आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है। उसको इंसुलिन लेना चाहिए, अपनी किडनी को भी प्रिजर्व करना चाहिए। डायबिटीज में सबसे ज़्यादा लॉस होने वाली जो खतरनाक बीमारी है वो किडनी की डिसीज है। इसके बाद बात आती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज वो डायबिटीज होती है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होती है। इसमें वो महिलाएं भी शामिल होती हैं जिनको पहले से डायबिटीज होती है, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज की एक खासियत है कि ये डिलीवरी के बाद में 50% महिलाओं में डिसअपियर हो जाती है। डायबिटीज के कॉमन लक्षण क्या है, जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं पहले हम वो बताते हैं। बार बार पेशाब आना, वजन कम होना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया यानी कि बहुत प्यास लगना, ज़्यादा खाना और बार बार यूरिन के लिए जाना, जेनाइटल इन्फेक्शन, मेल फीमेल में जेनाइटल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है डायबिटीज वालों के लिए, कुटेनियस मैनिफेस्टेशन, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है डायबिटीज में, धुंधला दिखता है, ये डायबिटीज के लक्षण हैं। इसके अलावा पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, ये भी डायबिटीज में है। यदि ये सब समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं
ऐसे आदमियों को नॉर्मल आदमी की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा रिस्क होती हार्ट डिसीज होने की, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। डायबिटीज में यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो बदबू आती है यूरिन पास करते वक्त, कलर चेंज होता है और चींटियां आती हैं, ये है। बचने के लिए डायबिटीज को सबसे पहले यदि कोई आदमी किसी भी व्यक्ति की शुगर डायग्नोस होती है, यानी कि प्री डायबिटिक स्टेज और डायबिटिक स्टेज में है, प्री डायबिटीज बता देते हैं, किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल 200 से कम है खाना खाने के बाद, तो ऐसे व्यक्तियों को प्री डायबिटिक स्टेज में रखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रोज प्रतिदिन ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक मतलब तेज गति से चलना है, कम से कम 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक करें, डेली करें। तो मैं सभी पब्लिक को अवेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना TMT टेस्ट कराएं, उसके बाद ही जिम करें, तो हम TMT टेस्ट से इवेल्यूट कर लेंगे कि आपको कहीं कोई हार्ट डिसीज के रिस्क तो नहीं है। डाइट में एक इंडेक्स है, सब लोग जान सकते हैं, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लेवल दिए हुए हैं, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप नेट पर डालोगे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, एक आपको खाने की बड़ी सी लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि जो फाइबर वाले हैं, पालक है, मेथी, बथुआ, चौलई भाजी, टिंडा, लौकी, भिंडी, करेला, गोभी, पत्ता गोभी, मटर फली, सेम फली, बरबटी, मुनगा, ये सब आप ले सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, खाने को बहुत है, दलिया ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं आप। आपको नहीं लेना है तेल में तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, आलू चावल ये अवॉइड करना है, लिमिटेड मात्रा में लेना है। फल ले सकते हैं, फलों में आप सेब फल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं। आपको रसीले फल अवॉइड करना है, पका हुआ आम, तरबूज ये सब अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको एक बार में 2 रोटी लेना है, 1 कटोरी दाल लेना है, 1 कटोरी हरी सब्जी लेना है। खाने में सलाद, जितनी मात्रा आपका खाना है उसके आधे के बराबर सलाद हो, खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, ये आपके सलाद में हिस्सा होना चाहिए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो डाइटिशियन से संपर्क करें। यदि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको इंसुलिन लेना ही चाहिए। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया इंसुलिन आ रहे हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर शैलेंद्र को सुना, उन्होंने डायबिटीज को लेकर तमाम तरीके की जानकारी दी और हम सभी को बताया कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको क्या करना चाहिए। आशा है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। डायबिटीज को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका जवाब हम अगले वीडियो के एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आप हमें यह भी बताइएगा कि आप निरोगी भव का अगला एपिसोड किस बीमारी पर देखना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।